क्या 4,999 रुपया का कैशबैक मिला है सर फोन पे में आपको, तो जी? कैशबैक को आप रिसीव करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं सर? क्या हम तो रिसीव करना चाहेंगे। हाँ तो रिसीव आपका हो जाएगा सर, आपका फोन पे है ना सर, अभी इंस्टॉल है ना मोबाइल में? हाँ है तो। हाँ उसको ओपन कीजिए, उसमें देखिए आपका कैशबैक शो कर रहा होगा सर, चेक कीजिए। सर तो उसमें अभी नेट नहीं मेरे पे। तो नेट नहीं है तो रिचार्ज नहीं है कि नेट नहीं है? वही रिचार्ज नहीं था मोबाइल का, नेट नहीं है अभी। तो आप फोन पे से रिचार्ज नहीं करते हैं क्या? करते हैं लेकिन अभी नहीं है। हाँ तो अभी आप किसी से हॉटस्पॉट ले पाएंगे? अभी जो कैशबैक आएगा उससे आप मोबाइल रिचार्ज डीटीएच रिचार्ज बिल पेमेंट अपने अकाउंट में भी पैसा ले पाएंगे सर? अच्छा अच्छा रुकिए एक मिनट, टाइम दीजिए एक मिनट। अब लाइन पे हॉटस्पॉट ले लीजिए आप। हाँ सर कहाँ पे है? बोलिए। कहाँ पे है? बेल आइकन में जाइए, बेल आइकन में जाइए। एक मिनट सर। बेल आइकन में सर गए? हाँ वहाँ देखिए 4,333 लाइन शो कर रहा है। क्या 4,333 लाइन शो कर रहा है? 4,999 रुपया। एक मिनट सर। नहीं कर रहा सर। बेल आइकन में क्लिक कर रहे तो क्या लिख रहा है वहाँ पे? अच्छा अच्छा हाँ सर। 4,999 रुपया दिख रहा है ना? हाँ 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 उसमें ऑप्शन क्या क्या आ रहा है? ऑप्शन एक है डिक्लाइन, एक है पे। हाँ तो उसको रिडीम कीजिए सर, जो गिफ्ट वाउचर है ना सर उसको अपने अकाउंट में पे कीजिए। पे करने के बाद आपका अकाउंट नंबर आएगा, लास्ट का 4 डिजिट, फिर उसको अपने अकाउंट में सेंड कर लेना सर गिफ्ट वाउचर को। नहीं समझ में आया, फिर से बताइएगा सर। जो गिफ्ट वाउचर है ना सर उसको अपने अकाउंट में पे कीजिए सर, पे का ऑप्शन आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। अपने अकाउंट में पे कीजिए, पे करने के बाद आपका अकाउंट नंबर आएगा, लास्ट का 4 डिजिट, फिर उसको अपने अकाउंट में सेंड कर लेना सर गिफ्ट वाउचर को। ऐसा तो नहीं होता, इस पे करेंगे तो पे हो जाएगा? नहीं सर, जो गिफ्ट वाउचर है ना सर उसको अपने अकाउंट में पे करना है, किसी दूसरे अकाउंट में नहीं करना है। जैसे ही आप पे अपने अकाउंट में पे करने के लिए तो रिडीम होता है, पे नहीं होता? वही आपका रिडीम होगा सर, जो गिफ्ट वाउचर है ना उसको अपने अकाउंट में पे कीजिए, पे करने के बाद आपका अकाउंट नंबर आएगा, ठीक है, फिर उसको अपने अकाउंट में सेंड कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं आएगा तो आगे का प्रोसेस नहीं कीजिएगा सर। नहीं तो हमको जहाँ तक पता करेंगे तो पे हो जाएगा? ये आपका 1 रुपया भी नहीं होगा सर, जो गिफ्ट वाउचर है ना उसको अपने अकाउंट में पे करना है सर। ये जो महामारी कोरोना वायरस फैला सर उसके थ्रू से मिला है, बड़ा अमाउंट में, इसलिए नोटिफिकेशन द्वारा मिलता है, ठीक है। हम वोट नहीं दिए तो दिए कैसे हमको? क्या बोले? मोदी जी को हम वोटे नहीं दिए तो उनको कैसे दे? वोट देने से ये मतलब नहीं है, जो जो फोन पे चलाते उसको आप पे पे क्लिक करके देखिए, अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं आएगा तो आगे का प्रोसेस नहीं कीजिएगा सर। अगर आपका अकाउंट नंबर समझ रहे हैं, लेकिन फोन पे पहली बार थोड़े चला रहे हैं, इस पर लिखता है रिडीम। हाँ तो रिडीम लिखता है ना, जो गिफ्ट वगैरह उसको अपने अकाउंट में पे कीजिए, रिडीम कीजिए, ठीक है, पे कीजिए, पे करने के बाद आपका अकाउंट नंबर आएगा, लास्ट का अकाउंट नंबर, आपका बैंक का अकाउंट नंबर, फिर आप उसको अपने अकाउंट में देख के सेंड कीजिए। अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं आएगा तो आगे का प्रोसेस नहीं कीजिएगा सर। सर इतना बड़ा अमाउंट है, टैक्स भी कटेगा क्या? 1 रुपया भी आपका टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है, और कभी भी दोबारा आपसे वापस नहीं लिया जाएगा, और 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा ये सर ये कहाँ आएगा, मेरे वाउचर में आएगा कि कार्ड के रूप में आएगा कि अकाउंट में जाएगा? वॉलेट से आपका अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा, वही तो आपको बोल रहे हैं, पे पे क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए आपका अकाउंट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो आगे का प्रोसेस नहीं कीजिएगा सर, ठीक है। हाँ हाँ पे पे क्लिक किया तो आपका अकाउंट नंबर आया। एक मिनट एक मिनट कर रहे हैं। बोल रहा है सर अकाउंट नंबर? हाँ अकाउंट नंबर वहाँ ऊपर में देखिए दिख रहा है, पे पे क्लिक किया तो? नहीं तो बोल रहा है आपका अकाउंट नंबर चाहिए। ये अकाउंट नंबर यहाँ कैसे मांगेगा सर, आपको बोल रहे हैं पे पे क्लिक किया तो, अभी देखिए सेंड का ऑप्शन आया सेंड का। हाँ हाँ वही ना, उसके आप उसका टिप है तो आपका अकाउंट नंबर मांग रहा है। अकाउंट नंबर नहीं मांग रहा होगा सर, वेरीफाई के लिए पासवर्ड मांग रहा होगा, वेरीफाई पिन वाला हो ना, ओटीपी वाला, सॉरी यूपीआई पासवर्ड मांग रहा होगा, यूपीआई पासवर्ड। हाँ तो उसको डालेंगे तो पे हो जाएगा आपको? नहीं सर, जो गिफ्ट वाउचर है ना सर वो आपका अकाउंट में आएगा, जब सेंड किया ना उसके ऊपर में आपका अकाउंट नंबर था ना सर, वेरीफाई के लिए आपका यूपीआई पासवर्ड डालिए, वो डन कीजिए, डन करने के बाद आपका सक्सेसफुल होगा, उसके बाद आप तुरंत बैंक बैलेंस चेक कीजिए, आपका तुरंत ऐड हो जाएगा सर। नहीं नहीं सर, हम पहले भी किए हुए हैं, पिन डालेंगे पे कर देंगे आप ही को। तो बोलिए जब सेंड किया तो आपका अकाउंट नंबर दिख रहा था कि मेरा दिख रहा था सर, आप बोलिए मेरे अकाउंट से जाएगा तो मेरा ही ना दिखेगा? नहीं सर, जो आएगा उसको आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, जिसमें जाएगा वो अकाउंट नंबर दिखता है ना सर। नहीं नहीं सर, हम उतना दिन से कर रहे हैं, मेरे में जाएगा, चल जाएगा आप पे। सर कैसे आएगा, आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं कटा जाएगा, आपको बोल रहे हैं ना? मान लीजिए चला गया तब? मैं लाइन पे हूँ ना, आप कौन कौन यहाँ, और आप हेड ऑफिस आएंगे पटना हेड ऑफिस तो पूरा सुनाई देगा ना सर? हाँ
बोले आपका अगर एक रुपया भी कट जाएगा तो मैं हूँ ना सर, लाइन पे हूँ, आप पटना हेड ऑफिस आ सकते हैं, मैं कजरिया बिल्डिंग 3 से बात कर रहे हैं सर, आप फोन पे कोई चलाएगा, बोलिए अगर पैसा कट जाएगा एक रुपया भी तो फोन पे कोई चलाएगा सर, बोलिए आप। नहीं बात तो सही है, काम कीजिए तब तक आप तब, कितना है 5,000 रुपया का सर है वाउचर, आप तब तक आप 5,000 रुपया हमको भेज दीजिए ना अकाउंट में। वैसे कैसे आएगा ये कौन है सर, देखिए इसको रिडीम करना पड़ेगा ना, आपको मिली हो रहा तो कीजिए, नहीं हो रहा तो ठीक है कोई बात नहीं सर, आप नहीं नहीं अब ऐसा कैसा 5,000 रुपया का बात है सर, भेज ना दीजिए आप, छोड़ के रखिए।